हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CGPSC मेंस प्रोग्राम ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं निकत परवीन खान और आज का ये वीडियो 16th ऑफ मार्च को हिस्ट्री का जो सेकंड टॉपिक अपलोड किया गया था उसके जो क्वेश्चंस अपलोड किए गए थे उस पर एनालिसिस करने के लिए है। उन क्वेश्चंस को मेंस ओरिएंटेड कैसे लिखना है उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आप पढ़ ही सकते हैं बोर्ड पर कि जो सेकंड टॉपिक अपलोड किया गया था वो एंशियंट हिस्ट्री से था, मगध साम्राज्य का उदय मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, मतलब आपका राइज ऑफ द मगध एम्पायर और मौर्यन एरा और पोस्ट मौर्यन एरा के ऊपर क्वेश्चंस डाले गए थे और इस पर काफ़ी सारे रिप्लाइज आए हैं। आई अगेन अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर रेगुलरली आंसरिंग द क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन अपलोडेड इन डिस्कशन कम्युनिटी। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, काफ़ी इंप्रूवमेंट आपका आंसर राइटिंग में देखी जा रही है। जो लोग कंसिस्टेंटली आंसर लिख रहे हैं आप बिल्कुल उनसे कंपेयर करके देखिए कि काफ़ी कुछ उनके आंसर्स में उनके पहले के आंसर से इंप्रूवमेंट है। आई वुड अगेन लाइक टू नेम फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छे आंसर्स लिखे हैं, जो कुछ रेगुलरली लिख रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में उनका नाम लिया था, उनका मैं नाम रिपीट करती हूँ। मधुलिका दीक्षेना ने अच्छा लिखा है, आकांक्षा पांडे ने अच्छा लिखा है, साक्षी मित्तल ने काफ़ी अच्छा लिखा है, ठीक है। अनर बघेल, राकेश मिश्रा, आयुषी गुप्ता, शुभम जैन, पंखुड़ी तिवारी, राजेश साहू, प्राची केशरवानी, ये कुछ ऐसे और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस अपलोड किए गए थे उनमें अच्छे आंसर्स लिखे हैं। जो भी रेस्पेक्टिव, देखिए अभी आंसर्स में सारे आपके रिप्लाइज नहीं आ पा रहे होंगे, आप इस चीज़ से डिसहार्टेड ना हो, धीरे 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 ग्रेजुअली मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके आंसर्स पर रिप्लाई होने शुरू हो जाएंगे विद इन दिस वीक। आफ्टर द 3-4 रेगुलर DC प्रोग्राम का जो मेरा वीडियोज़ हैं वो ओवर हो जाएंगे तो और ज़्यादा आंसर्स या रिप्लाई करने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। आप आंसर्स अपलोड करते रहिए, वो एक हफ्ते में, दो हफ्ते में धीरे 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 चेक होते ही जाएंगे, आई अश्योर यू फॉर दैट, ठीक है। मतलब मैक्सिमम, और मैंने कहा कि सब तो पॉसिबल नहीं है लेकिन जितने मैक्सिमम में हम आंसर रिप्लाई करेंगे आप उनके भी जाके रिप्लाईज देखिए, हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएं, जो गलतियाँ आपने की हैं वो भी रेक्टिफाई हो जाएं उससे, ठीक है। सो लेट अस डायरेक्टली मूव ऑन टू द टॉपिक एंड द क्वेश्चंस व्हिच वर अपलोडेड 3 डेज बैक। तो देखिए इस चैप्टर में, या मैं कहूँ इस टॉपिक में, दरअसल बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। कहने के लिए कह दिया है कि मगध साम्राज्य का उदय मौर्य व मौर्योत्तर काल, इसमें एक ही जो एविडेंट है वो है कि मौर्य काल पूछा है, लेकिन अगर मगध साम्राज्य की बात करें तो मगध साम्राज्य के उदय में थोड़ा बहुत महाजनपद एरा के बारे में भी आपसे सवाल आ सकते हैं। उसके अलावा मगध का जो उदय हुआ उसमें जो 3 मौर्यों से पहले प्री मौर्यन डिनेस्टीज थी, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इस पर से भी क्वेश्चंस इसमें आएंगे। और मौर्योत्तर का है तो पोस्ट मौर्य एरा या प्री गुप्ता एरा में जो 3 ब्राह्मण वंश थे, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश, इन सभी से इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो याद रखिए इस टॉपिक में ये सारे सब टॉपिक्स कवर होते हैं। हालांकि क्योंकि नाम लेकर कहा गया है तो मौर्य वंश सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बड़े क्वेश्चंस आने की मौर्य वंश से ही है। वो ऐसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की वजह से उसमें क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत बनती है, लेकिन हाँ 2 मार्कर, 4 मार्कर और इवन 8 मार्कर जो क्वेश्चंस हैं वो इनमें से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने कोशिश की है कि हर फॉर्मेट के इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए हम क्वेश्चंस बनाएं, ठीक। सो लेट अस स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस, स्टार्टिंग विद द 2 मार्कर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका था कि आपको मौर्य वंश पर प्रकाश डालने वाली कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का उल्लेख करना था। यू हैव टू मेंशन द इम्पॉर्टेंट बुक्स विच थ्रोज लाइट ऑन मौर्यन डायनेस्टी। कोई पर्टिकुलरली नहीं पूछा था कि मौर्य समाज पर, मौर्य प्रशासन पर, मौर्य राजाओं पर, मौर्य वंश पर रोशनी डालने वाली किताबें हैं, तो इसमें कुछ भी छांटा नहीं गया है। क्वेश्चन में ध्यान रखें, सिर्फ मौर्य प्रशासन बोलता तो फिर कुछ गिनती की किताबें आ जाती, समाज बोलता खुद तो गिनती की किताबें आ जाती, कोई पर्टिकुलर राजा बोलता तो गिनती की किताबें आ जाती, लेकिन अगर पूरा मौर्य वंश बोल रहा है तो वो सारी किताबें आ जाएंगी, चाहे वो धार्मिक प्रवृत्ति की हों या ऐतिहासिक प्रवृत्ति की, वो सारी किताबें आ जाएंगे जिसमें मौर्य वंश का उल्लेख है। और क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क का है तो याद रखिएगा, क्योंकि इसमें एक तो 2 मार्कर क्वेश्चन है तो फैक्चुअल क्वेश्चन एक तो पूछा गया, दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं बताया कि मेंशन एनी 2 बुक्स, मेंशन एनी 4 बुक्स। तो टू फेच मैक्सिमम मार्क्स आपको जितने मैक्सिमम बुक्स का नाम पता है वो आप इसमें लिख दीजिए, ठीक। तो
इसमें यहाँ पर जैसे मैंने कुछ लिस्ट बताई है, आई हैव मेंशन 10 बुक्स जो आपके मौर्य वंश से संबंधित हैं, आप इनमें कोई भी अगर 2 मार्कर है तो अगर कोई भी 4 किताबों के नाम लिख देते हैं सही, मतलब इम्पॉर्टेंट किताबें, तो फिर उस पर आपको पूरे 2 मार्क्स मिल सकते हैं। देखिए एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी थोड़ा डिपेंड करता है कि वॉट ही इज़ एक्सपेक्टिंग, वॉट यू आर राइटिंग और वॉट ही इज़ एक्सपेक्टिंग, दोनों ही चीज़ें मैच होती तब आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपने 4 कोई भी नाम लिख दिए हैं और वो सही हैं तो इसमें 2 मार्क्स कहीं नहीं गए। जैसे कि अर्थशास्त्र और इंडिका, देखिए शुरू के ये जो 3 हैं ये तो आपके आंसर में आने ही चाहिए, 4th आप कोई भी डाल दो, और अगर और आते हैं तो 4 के अलावा और नाम भी डाल सकते हैं। तो ये शुरू की 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक हैं, बिकॉज अर्थशास्त्र एंड इंडिका बोथ आर रिलेटेड टू द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, और इंडिका ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन द मौर्यन सोसाइटी। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी, इंडिका जो मेगस्थेनीज ने लिखी, मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त ने लिखी, उसके अलावा जो विष्णु पुराण है वो भी मौर्य वंश से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जो हैं उनके वजह से बौद्ध धर्म ग्रंथों में और जैन धर्म ग्रंथों में मौर्य समाज और प्रशासन और राजाओं का उल्लेख है। तो कई ऐसे आपको किताबें मिलेंगी जो धार्मिक प्रवृत्ति की मिलेंगी, बौद्ध या जैन धर्म से संबंधित, जिनमें मौर्य वंश के बारे में कुछ ना कुछ या समाज या धर्म के बारे में बताया गया था, आप उनका भी उल्लेख कर सकते हैं। जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं हैं, ठीक है, उसके अलावा कल्प सूत्र जो जैन धर्म से संबंधित है आप उनका उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है। वृहत कथा मंजरी शेमेद ने जो लिखा उसमें भी उनका उल्लेख है, दीपवंश महावंश में भी है, कथा सरित सागर में भी है। तो ये जो किताबें हैं इनमें से कोई भी आप एक डाल दीजिए, लेकिन ये 3 इसमें आने कंपलसरी है, अर्थशास्त्र इंडिका मुद्रा राक्षस तो आना चाहिए ही, उसके अलावा आप कोई भी 1 या 2 इसमें से डाल दीजिए। अगर कई लोगों ने मैंने देखा है कि किसमें क्या है, अगर कौटिल्य का अर्थशास्त्र है तो उसमें मौर्य वंश के बारे में क्या बताया है वो भी लिखने की कोशिश की है, बहुत अच्छी बात है लिखने की कोशिश की है, पर शब्द सीमाओं का ध्यान रखें। पहली बात तो ये कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ नामों का उल्लेख किया है, वो भी समाज प्रशासन नहीं, पूरे मौर्य वंश पर क्या किताबें लिखी गई उनका है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर बढ़ाओगे, कहने का मतलब नंबर ऑफ बुक्स के नाम बढ़ाओगे, उतने मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। आपको नहीं पता, मान लीजिए आपको 3 ही पता है, 4 नहीं पता, 4th पता ही नहीं, तब आप अपने आंसर में वो आधे मार्क्स जो छूट रहे हैं उसको कवर करने के लिए इन किताबों में क्या दिया गया है वो लिख देंगे, तो वो आधे मार्क्स उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मिल सकते हैं। क्या कह रही हूँ मैं, यू हैव टू कॉम्पनसेट योर आंसर इफ़ यू आर नॉट नोइंग द फुल थिंग। आपको 4 नहीं पता है 2 मार्क्स के लिए, तो आप क्या करिए, आप 3 लिख लीजिए और हर एक में क्या उसका सब्जेक्ट है, मौर्य वंश के बारे में उसने क्या बताया वो लिख दीजिए। तो ये एग्जामिनर पे डिपेंड कर सकता है, वो सीधा सीधा आपको दे सकता है। ऐसा अगर आप 2 किताबें भी लिखे और उसका थोड़ा सा विवरण दे दें और एग्जामिनर को आपका आंसर अच्छा लगा तो वो उसमें भी आपको 2 मार्क्स दे सकता है। देखो लिखने के अलग तरीके हैं, लेकिन परफेक्ट विल बी कि एटलीस्ट 4 बुक्स विद द नेम ऑफ द ऑथर आप लिख दें, ठीक है। एक आध अगर आपके पास लाइन बचती है, आधी लाइन बचती है, थोड़ा सा विवरण एक आध लाइनों का दे सकते हैं कि भाई ज़्यादातर आपके जैन और बौद्ध साहित्य की किताबों में भी मौर्य वंश का जिक्र मिलता है, ठीक है। 30 वर्ड्स में है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, पॉइंट वर्ड्स लिखेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, राइटर का नाम भी लिखेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, आंसर को कॉम्पनसेट करके अपने फुल मार्क्स लेने की कोशिश करिए, ठीक है। बाकी ये लिस्ट नॉर्मल एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने रखी, काफ़ी लोगों ने अच्छे आंसर्स लिखे हैं, आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स जो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने किया है, ठीक है। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 अगेन वेरी इजी फैक्चुअल क्वेश्चन जो नॉर्मली एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है। अगर आप राजवंशों के ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको राजाओं के क्रम से नाम याद रहने चाहिए। इस क्वेश्चन में क्रम तो नहीं पूछा है पर एक पर्टिकुलर वंश दे दिया आपको, सातवाहन वंश, और उसके कोई भी 4 महत्वपूर्ण राजाओं के नाम आपको लिखने थे। 2 मार्कर फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए मैं सिर्फ अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर यहाँ पे एक चीज़ जो हर एक आप वीडियो में ध्यान दे रहे होंगे कि 2 मार्कर क्वेश्चन ज़्यादातर आपका एक तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही एक्सपेंशन होता है, उसमें फैक्ट ज्यादा पूछने की कोशिश किया जाता है, मतलब एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, कोई चीज़ का डेफिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। और एक होता है फैक्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। आप ये कोशिश करिए कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 2 मार्क्स से हो लेकर 15 मार्क्स तक, ऐसे सारे क्वेश्चन जिसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा डाल सकते हैं, पॉइंट ज़्यादा डाल सकते हैं, उन्हें चूज़ करके बनाएं।
मैं उनकी भी बात कर रही हूँ जहाँ आपको ऑप्शंस आते हैं। 2 मार्कर 4 मार्कर में तो आपके पास ऑप्शंस नहीं है, लेकिन जब आपको छोड़ना हो, मान लीजिए आपके पास वक्त कम पड़ रहा है और आपके पास 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस छूट रहे हैं और आपको उसमें से कोई 2 ही बनाने के चांसेस हैं, आपके पास टाइम बचा कि आप कोई 2 ही अटैम्प्ट कर सको, तो ऐसे में ये कोशिश करिएगा कि उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें जिसमें पॉइंट्स आप लिख सकें, जिसमें फैक्ट्स आप डाल सकें। डेफिनेशन या नॉर्मली एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस में 2 मार्क्स मिलने मुश्किल होते हैं, लेकिन जहाँ पॉइंट्स आ जाते हैं, जहाँ फैक्ट्स आ जाते हैं, उसमें पूरे दो मार्क्स मिल सकते हैं। इवन वो जो आप 8 मार्क्स और 15 मार्क्स में लिखते हैं, अगर उसमें कोई ऐसी चॉइस है जिसमें आप पॉइंट्स या फैक्ट्स डाल सकते हैं, तो वैसे वाले क्वेश्चन को चूज़ करके लिखे, क्योंकि उसमें पॉइंट्स उसमें मार्क्स देने ज़्यादा ईजी बनता है एग्जामिनर को और आपको मार्क्स अच्छे से मिल सकते हैं उसमें। ठीक है, तो अगेन दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से 2 मार्क्स से ऊपर आ भी नहीं सकता। जो पहला वाला क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स से ऊपर आ सकता था, क्योंकि काफ़ी सारी किताबें थी, आपको उसमें पूछने और बताने की काफ़ी सारी चीज़ें भी थी। वो क्वेश्चन जो था अगर 2 मार्क्स का था तो आप 4 नाम लिखते या 3 मार्क्स को डिस्क्राइब, 3 कोई भी नाम को डिस्क्राइब कर देते जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद अगर वो मान लीजिए 4 मार्क्स का आता तो आप 4 ही लिख करके उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देते, क्या अच्छा हो, बेहतर हो कि 4 मार्क्स फेच करने के लिए आप 6 नाम लिख लें। और वही चीज़ अगर आपकी हो सकता है 8 मार्क्स पर, 8 मार्क्स में डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि कौन सी किताब है, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन अलाइड करके दे देगा, अटैच करके दे देगा। ठीक है, तो 8 मार्क्स में भी देखिएगा आपको 4 ही नाम लिखने होंगे, लेकिन कोई ना कोई क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में साथ में अटैच कर देगा उसे, बाकी 15 मार्क्स में पूछ नहीं सकता। ठीक है, और ये क्वेश्चन सिर्फ 30 वर्ड्स 2 मार्कर है, फैक्चुअल है। आपको जितने भी सातवाहन वंश के राजाओं के नाम याद हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी में नहीं लिखने बोला है, कोई भी 4 नाम आप लिख दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो संस्थापक था राजा सिमुक था, सत्कर्णी प्रथम राजा हाल, गौतमीपुत्र सत्कर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुभावी, क्योंकि उसने स्पेसिफाई किया है कि 4 लिखिए, तो अगर आप 4 लिखते हैं तो उस मार्क्स वो काट नहीं सकता, आपको पूरे मार्क्स देना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि 5 के नाम लिखते हैं। और इसी तरह से जितने वंश हमने लिखे थे, हर एक वंश से लेकर के अभी तक जो सातवाहन वंश जो मैंने यहाँ पर लिखा था, सभी वंशों के सभी राजाओं को बेहतर हो सके तो क्रम से याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। प्रॉब्लम्स में आपने पढ़ा ही है, मेंस ओरिएंटेड में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, 2 मार्कर फैक्चुअल। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 4 मार्क्स। सो 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 था कि आपको अशोक का बौद्ध धर्म के प्रमोशन की तरफ जो भी उन्होंने कार्य किए थे, जो एफर्ट्स किए थे, उसे एग्जैम्पलीफाई करना है, मतलब आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रमोशन के लिए क्या कुछ किया था। अगेन देखिए, इसमें पॉइंट्स लिखने की पूरी गुंजाइश थी, क्योंकि एग्जाम्पल्स देने हैं आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता तो आप 2 पैराग्राफ में 60 वर्ड्स का ही आपका आंसर था, 2 पैराग्राफ में आप लिख सकते थे, लेकिन जबकि एग्जाम्पल उदाहरण सहित लिखने बोला तो पॉइंट्स के साथ लिख सकते हैं। खासतौर पर इस क्वेश्चन के लिए मैं जो स्टूडेंट्स ने इस एफर्ट किए उसको मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, काफ़ी अच्छी तरीके से समझ के इसका आंसर आप लोगों ने लिखा है, और मैक्सिमम चीज़ें जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हैं वो आपको उनके आंसर्स में मिल ही जाएंगी। ठीक है, तो सभी जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बौद्ध धर्म निग्रोध के प्रभाव में उन्होंने अपनाया, और उसके बाद का उनका पूरा प्रशासन, उनकी पूरी विचारधारा बौद्ध धर्म से ही प्रभावित थी। बौद्ध धर्म का इम्पोर्टेंस एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस में इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अशोक ने इसका काफ़ी प्रमोशन किया था। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि बुद्धिज़्म से क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए बनते हैं कि ना सिर्फ एंशियंट में आपका गौतम बुद्ध से रिलेटेड आपका एक चैप्टर है, बल्कि अशोक से भी रिलेटेड चैप्टर है, और दोनों का ही कहीं ना कहीं लिंक जो है वो बुद्धिज़्म से होता है। तो बौद्ध धर्म के प्रमोशन के ऊपर काफ़ी कुछ उन्होंने किया था। आप उनके जितने भी एफर्ट्स हैं उनको 4 अच्छे पॉइंट्स में एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, और मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही इसको डिस्कशन कम्युनिटी पर लिखा है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने उनके एफर्ट्स के यहाँ पर लिखे हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे कि चैत्य जो बौद्ध धर्म के मंदिर हुआ करते हैं, विहार जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके धर्मशाला जैसे विहार रेस्ट हाउस होता है, कुछ गुफाएँ उन्होंने बनवाई थी। ठीक, उसके अलावा ये भी याद रखिए कि आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए जो उन्होंने गुफाएं बराबर की पहाड़ी में बनवाई थी, कर्ण चौपर सुतामा जो आप गुफाएं सुनते हैं, वो भी बाद में जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के ही इस्तेमाल में आने लगी, तो वो गुफाएं भी कहीं ना कहीं
आप ले सकते हैं। स्तूपों का मेंशन करना तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 84,000 स्तूप जो उन्होंने बनवाए थे, जो इम्पॉर्टेंट धर्म है, एक भरूत का स्तूप, जो भी आप इसमें लिख सकते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इनके ही बनाए गए जितने आपके बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं वो आज तक जो है प्रासंगिक है, वो आज तक जो है प्लेस ऑफ विजिट रिलेटेड टू बुद्धिज़्म माने जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्क को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करिए, आपको इनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन की कहाँ कौन सी गुफाएँ बना गई, कहाँ कौन से स्तूप बनाए गए, कितने स्तूप बनाए, वो सब आप डाल दीजिए, ठीक। उसके अलावा आप सभी जानते हैं कि अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो बौद्ध संगति है उसे ऑर्गेनाइज करवाया था। सभी जानते हैं कि पाटलिपुत्र में उन्होंने तीसरी जो बौद्ध संगति है उसे ऑर्गेनाइज करवाया था, आप उसका जिक्र कर सकते हैं, एक लाइन में उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रमोशन के लिए कई लोगों को मैसेंजर के तौर पर देश विदेश में भेजा था, श्रीलंका, ग्रीस या दक्षिण एशियाई कई देशों में उन्होंने कई दूत भेजे थे जो बौद्ध धर्म का प्रमोशन कर सके। आप महेंद्र और संगमित्रा जो उनके बच्चे थे उनका जिक्र करिए कि उन्हें श्रीलंका भेजा था उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रमोशन के लिए, तो मैसेंजर्स भेजना ये एक चीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा धम्म जो इन्होंने प्रपाउंड किया था, हालांकि ये बुद्धिस्ट धम्म से काफ़ी अलग था, लेकिन कहीं ना कहीं शब्दावली की बात करें हम या बेसिक प्रिंसिपल या सोच की बात करें हम तो बुद्धिस्ट धम्म से रिलेटेड ही था। जिस तरह से बुद्धिज़्म में धम्म जो होता है वो डूज एंड डोंट्स होते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा ही अशोक ने अपना एक धम्म, एक आचार संहिता जारी की थी जो कहीं ना कहीं प्रभावित थी बौद्ध धर्म से, और बौद्ध धर्म के से प्रभावित इस धम्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कई मंत्रियों की नियुक्ति की थी जिनको धम्म महामात्य कहा जाता था, और उन्होंने धम्म का पूरा प्रमोशन जो है वो किया था, तो आप इसे भी बिल्कुल उसे प्रभावित मान सकते हैं, ठीक। उसके अलावा कई सारे शिला लेख और स्तंभ लेख, रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स जो हैं उसमें उन्होंने बुद्धिज़्म की खूबियाँ गिनाई, उसको प्रमोट करने की कोशिश की, जैसे कि बबरूगढ़ शिला लेख जो है उसमें आपको जो त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ उस पर जो अशोक का विश्वास था उसके बारे में आपको पता चलता है। लघु शिलालेख जो हैं उसमें उनका जो राजाभिषेक वाला जो लघु शिलालेख था उसमें वो खुद को बुद्ध शाक्य कहते हैं, उसमें आपको कई सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। तो कई सारे ऐसे उनके शिलालेख और स्तंभ लेख थे, कई स्तंभ उन्होंने जो बनाए, सारनाथ के स्तंभ में आपको कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से जुड़े जो चिन्ह हैं, गौतम बुद्ध के ज़िंदगी से जुड़े जो चिन्ह हैं वो आपको दिखेंगे उसके सिंबल में, उसके कैपिटल में। तो जो भी कुछ आप जानकारी इसके बारे में जानते हैं, पिलर्स और रॉक एडिक्ट्स के बारे में, जहाँ बुद्धिज़्म का उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की थी, उनका भी आप जिक्र कर देंगे। उसके अलावा आप सभी जानते हैं विजिटेड टू डिफरेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, ठीक है, जब उन्होंने खुद बौद्ध धर्म अपना लिया था तो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी जितनी भी जगह थी, उनके जन्म स्थान से लेकर उनके निर्वाण स्थान से लेकर हर जगह उन्होंने अपने शासन काल के अलग अलग वर्षों में विजिट किया। वहाँ पर उन्होंने कुछ ना कुछ स्मारक चिन्ह भी बनाए, जैसे कि गौतम बुद्ध के जो जन्म स्थान है कपिलवस्तु में, वहाँ पर उन्होंने रुमनीदेही पिल्लर बनवाया था, जो रुमनीदेही स्तंभ है वो गौतम बुद्ध के जन्म का सूचक है जो बाद में अशोक ने बनवाया था। तो इस तरह से उनका जो अलग अलग जगह पर विजिट था वो भी एक तरह का रॉयल विजिट था, तो वो प्रमोशन के तौर पर ही आप गिन सकते हैं उसे। तो ये सारे मैंने कुछ लिखे हैं क्योंकि ये 4 मार्कर क्वेश्चन था, आप 4 अच्छे पॉइंट्स लिख दीजिए, इनकी थोड़ी सी डिटेलिंग कर दीजिए, पूरे 4 मार्क्स आपके, और अगर पूरी डिटेलिंग नहीं करनी है और नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने तो कम से कम ये 5-6-7 पॉइंट्स अगर आप लिख देंगे तो भी पूरे 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इज इट क्लियर? सो दैट इज इट, अगेन अ पॉइंट वाइज क्वेश्चन, आप चाहें तो इसको पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हैं, बट डू अ बिट ऑफ लाइक कुछ आपको अलग से दिखाना है, फ्लो चार्ट्स बना दीजिए या प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा वेन डायग्राम कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर पॉइंट्स में या हाईलाइटिंग करके करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो दैट इज इट, अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 4 मार्क्स। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका 4 मार्क्स का था कि आपको अजात शत्रु के ऊपर एक नोट लिखना है, हर्यक वंश का ये दूसरा शासक था और इसके ऊपर आपको कुछ 5-7 पॉइंट्स लिखने हैं और आपको पूरे 4 मार्क्स इसमें मिल सकते हैं, ठीक है। हमेशा मैंने आपको कहा कि क्योंकि इतिहास का ये प्रश्न पत्र है तो इस वजह से आपको कोई भी ऐतिहासिक, कोई भी जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर नोट लिखने आ सकता है, उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं उसे या तो पैराग्राफ फॉर्म में या तो पॉइंट फॉर्म में आप लिखें। पॉइंट फॉर्म में लिखना क्योंकि ये छोटे मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा बेहतर होगा। तो अजात शत्रु वेरी इजी क्वेश्चन जो आप आंसर कर सकते हैं, पॉइंट्स में लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा। सभी जानते हैं कि मगध साम्राज्य का जो पहला वंश था हर्यक वंश, हर्यक वंश में बिंबिसार का बेटा यानी मगध के हर्यक वंश का दूसरा शासक जो था वह अजात शत्रु था।
आप थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वे में पहले अजात शत्रु के बारे में बताएं कि पुराणों में से कुणिक कहा गया था, बिंबिसार का बेटा था, हर्यक वंश का था और ये मगध साम्राज्य का इतिहास का पहला साम्राज्यवादी शासक था, पहला शक्तिशाली शासक था जिसने शक्ति का प्रयोग करके, जिसने बल का प्रयोग करके अपने साम्राज्य को विस्तारित करने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी रहा। क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और राजगद्दी हासिल की थी, इसलिए ऐसा करने वाला ये जो विदित इतिहास है उसका पहला शासक था, इसलिए इतिहास में इसे पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि इनके ही शासनकाल में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था और इनके जो पिता थे अजातशत्रु के बिंबिसार, गौतम बुद्ध जो है वो बिंबिसार के दोस्त थे, इस वजह से अजातशत्रु ने उनके महापरिनिर्वाण वाले वर्ष में सन 483 जो आपका BC था उसमें उन्होंने पहली बौद्ध संगति जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई थी। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल उन्होंने कब कहाँ किसकी अध्यक्षता में ऑर्गेनाइज करवाई उसकी डिटेलिंग आप बता देंगे। उसके बाद आप ये भी बता देंगे कि उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद काशी और वज्जी जैसे इम्पॉर्टेंट जो महाजनपद थे उन्हें भी अपने साम्राज्य में विलय किया। डिटेलिंग की किसे उसने लड़ाई की थी, क्या हुआ इसको डिटेल नहीं जाना है आपको, बस क्योंकि 4 मार्कर क्वेश्चन है इसे उन्होंने मगध साम्राज्य में मिलाया आप इसको मेंशन कर दीजिए और इन युद्धों को जीतने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, कुछ वेपन्स ने जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे तो आप उन वेपन्स का नाम लिख दें इसमें, रथ मूसल और महाशिला कंटक नाम के दो एक यूनिक नए वेपन्स थे, नए हथियार थे जो अजातशत्रु ने पहली बार अपने युद्ध में इस्तेमाल किए थे और कहीं ना कहीं यही वजह बनी थी इन युद्धों को जीतने के पीछे। तो ये जो भी पॉइंट्स आप जानते हैं अजातशत्रु के बारे में मैंने एग्जाम्पल्स बताए और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मेरे ख्याल से इतनी ही चीज़ें जो हैं 4 मार्कर में अगर आप लिख देंगे तो यू विल गेट फुल 4 मार्क्स। ठीक है, पॉइंट्स में लिखें, कम से कम 6 पॉइंट्स लिखें, पैराग्राफ में लिखते हैं तो आप कुछ पॉइंट्स स्किप करके अपना थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में उसे प्रेजेंट भी कर सकते हैं, 2 पैराग्राफ में लिखें 30-30 वर्ड्स के। ठीक है, सो दैट इज इट विद द क्वेश्चन नंबर 2 of 4 मार्क्स। लेट अस क्विकली मूव ऑन टू द 8 मार्कर क्वेश्चन नाउ। सो आपके 8 मार्क्स का क्वेश्चन था दैट यू हैव टू एल्यूसिडेट द मैसिडोनियन इम्पैक्ट द मैसिडोनियन अटैक्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, कि मैसिडोनियन जो आक्रमण हुआ था भारत पर उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। कोई भी पहलू नहीं पूछा है आपसे कि उसका राजनीतिक पहलू क्या पर प्रकाश डालें या किस तरह की कला पर क्या प्रभाव पड़ा, संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको एक होल सोल क्वेश्चन दिया है कि किस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। 8 मार्कर क्वेश्चन है इसलिए स्पेसिफिकली वो पूछ भी नहीं सकता, जनरलाइज्ड वे में ही ज़्यादा पूछेगा ये। 100 वर्ड्स का ये क्वेश्चन था, आप इसे 2 या 3 पैराग्राफ्स में कर सकते हैं, आप एक इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं, आप 2 पैराग्राफ्स में भी इसे आंसर कर सकते हैं, 2 से 3 पैराग्राफ्स में इसे आंसर कर सकते हैं। आप चाहें तो इंट्रोडक्टरी और एक कंक्लूजन पैराग्राफ के साथ बीच में पॉइंट्स में आप इस आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर भी पॉइंट्स में लिखा जा सकता है, लेकिन जब आप पॉइंट्स लिखें तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन पूर्व भूमिका और थोड़ा सा निष्कर्ष ज़रूर डालें पैराग्राफ के फॉर्म में, भले ही 2-2 लाइन में ही सही। ठीक, तो अब सभी जानते हैं कि सन 326 ईसा पूर्व में जब भारत में नंद वंश था, 326 BC में जब भारत में नंद वंश था तब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, यानी कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था और इसी आक्रमण के प्रभाव के ऊपर ये सवाल बनता है। अलेक्जेंडर ओरिजिनली हम यूनानी कहते हैं पर एग्जैक्टली देखा जाए तो ये मैसेडोनिया का रहने वाला था, इसलिए हमने इसे मैसेडोनियन इन्वेजन कहा। ठीक है, यूरोप की मैसेडोनिया का रहने वाला था सिकंदर और उसके आक्रमण के बाद भारत में काफ़ी कुछ चीज़ें बदली, काफ़ी कुछ चीज़ें प्रभावित हुई, उसी में से कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर डाल देना है। तो शुरुआत आप पूर्व भूमिका से करेंगे कि मगध साम्राज्य में नंद वंश के समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जो कि एक मैसेडोनियाई सम्राट था उसने भारत पर आक्रमण किया था। आप थोड़े बहुत उसके आक्रमण के बारे में अगर आपके पास लाइंस बचती हैं तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, भारत पर आक्रमण किया था, हालांकि वो पूरे भारत को जीत नहीं पाया पर उत्तर और उत्तरी पश्चिमी एरिया में जो उसने आक्रमण किया उससे भारत पर कई पहलुओं पर प्रभाव देखने को मिलता है जो कि निम्न है। फिर आप पॉइंट्स में अपने आंसर को लिख सकते हैं और लास्ट में 1-2 लाइन्स आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसा था कि सिकंदर के आक्रमण के बाद पहली दफ़ा एंशियंट यूरोप और एंशियंट इंडिया एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए, हमें वहाँ की राजनीति, वहाँ का साइंस, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कला, हर चीज़ के बारे में पता चला और उन्हें हमारे। तो पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखा है इस चीज़ को आप पहले मेंशन कर सकते हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो प्रभाव पड़ा वो यहाँ के साहित्यिक और ऐतिहासिक परिदृश्य में पड़ा।
क्योंकि कई सारी बुक्स यहाँ के बारे में वहाँ के इतिहासकारों ने लिखी थी। सिकंदर के साथ कई इतिहासकार आए थे, उसके बाद आते रहे, उस समय उन्होंने यहाँ पे जो कुछ ऑब्जर्व किया उसको उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, तो उन स्रोतों का सहारा लेकर ही हमें भारत की उस समय तात्कालिक परिस्थितियों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। पहला तो ये, दूसरी चीज़ उन्होंने जिस तरह की डेटिंग की थी कि जिस तरह की क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल किया था उससे एक तरह का हमें ग्रेगोरियन कैलेंडर का, या मैं कहूँ उस टाइम का जो वर्ल्डली एक्सेप्टेड कैलेंडर था उसका आधार मिल जाता है, जिसके बाद जो कुछ हमने भारत का इतिहास लिखा इसको रेफरेंस लेकर लिखा। समझ में आ रही कि कई बार ऐसा था ना कि कैलेंडर्स अलग अलग इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इंडिया का उस वक्त के कैलेंडर को का कह सकते हैं हम कंपैरिजन जो देखने को मिलता है वो इसी इन्वेजन के बाद देखने को मिलता है, क्योंकि उधर के इतिहासकार जो हैं वो यूरोपियन कैलेंडर्स का इस्तेमाल करा करते थे और हम जो हैं वो इंडियन कैलेंडर्स का इस्तेमाल किया करते थे, तो उनकी किताबों के और हमारी किताबों को मैच करके हमने सही क्रोनोलॉजी विश्व स्तर पर जो एक्सेप्ट की जा सकती है उसे समझा, और आगे की जो भी आपकी हिस्ट्री इंडिया की लिखी गई है, इतिहासकारों ने लिखी है, उसमें ये सारे जो क्रोनोलॉजिकल एविडेंसेस थे वो काफ़ी काम आए थे। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी और इतिहास को लिखने में, उस समय के इतिहास को जानने में, वहाँ की जो लिटरेचर की बुक्स थी वो काफ़ी काम आई, और भारत में हिस्ट्री पर, इंडिया के लिटरेचर पर काफ़ी प्रभाव भी पड़ा। आगे का साहित्य लेखन में कहीं ना कहीं आपको यूनानी छवि भी देखने को मिलती है। तो साहित्यिक प्रभाव था, ऐतिहासिक प्रभाव था, क्रोनोलॉजी जानने में मदद मिली, आप ये ज़रूर इसमें डालें। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो इम्पैक्ट था वो था पॉलिटिकल इफ़ेक्ट इसका। सभी जानते हैं कि सिकंदर की, हालांकि मौर्य वंश के किसी शासक से युद्ध या कोई लड़ाई हुई तो नहीं, लेकिन उसके वापस जाने के बाद जितने भी आपके गणसंघ और मोनार्कीज थे वो सब इधर आप कह सकते हैं कि हट गए, और इंडिया में एक तरह का राजनीतिक एकीकरण हो गया, एक तरह का आपका पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गया, और उसके साथ ही मौर्य वंश का उदय हुआ। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में आप ये पूरी चीज़ों को गढ़ कर लिख सकते हैं कि वो सारे एरियाज जहाँ अलेक्जेंडर ने अटैक किया था उन सब को दोबारा कैप्चर करने के लिए मौर्य वंश ने एफर्ट्स किए, और उसके बाद वो पूरा एरिया अपने अधीन ले आए। तो इस तरह से पूरे भारत में एक वंश का उदय हुआ जो कि उस वक्त तक पूरे अलग अलग वंशों में बटा हुआ था, एक वंश का उदय हुआ, वो था मौर्य वंश। तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो आप पढ़ते हैं वो सबसे बड़ा प्रभाव था, मौर्य वंश का जो उदय आप पढ़ते हैं वो सबसे बड़ा प्रभाव था, खंडित भारत की बात जो आप करते हैं जो यहाँ से शुरू हुआ वो सबसे बड़ा प्रभाव था यूनानी आक्रमण का। उसके अलावा सांस्कृतिक प्रभाव काफ़ी कुछ पड़ा, हम और यूरोप दोनों ही एक दूसरे की कला संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ जानने लगे, और उसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो है गांधार कला शैली, जो इंडो ग्रीक शैली है, ठीक है, मूर्तिकला की ये शैली आज भी भारत में काफ़ी पॉपुलर है, इंडो ग्रीक ये जो शैली है इसका आप जिक्र कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ की संस्कृति, वहाँ के फेस्टिवल्स, उसके अलावा वहाँ का खगोल शास्त्र, देखो साइंस में भी काफ़ी कुछ हमने सीखा, खासतौर पर एस्ट्रोनॉमी जो ग्रीक एस्ट्रोनॉमी है उससे काफ़ी कुछ, ग्रीक मैथमेटिक्स से काफ़ी कुछ, क्योंकि वहाँ के कई स्कॉलर से हमारा कांटेक्ट हुआ, तो इंडिया की जो सब्जेक्टिव बुक्स थी, सब्जेक्टिव स्टडीज थी, उस पर भी काफ़ी ग्रीक सोच का या मैसेडोनियाई सोच का प्रभाव पड़ा, ना सिर्फ एस्ट्रोनॉमी बल्कि अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस अगर आप लेंगे उन सब पर आपको यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है आगे की सभी खोजों में और किताबों में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, चाहे कला हो, चाहे आपकी साइंस की ब्रांचेज हो, सबको आप, या जो भी फेस्टिवल्स इंडिया में मनाए जाते हैं उन सबको आप सांस्कृतिक प्रभाव में देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आर्थिक प्रभाव, भारत और यूरोप के एक दूसरे के संपर्क में, इतने क्लोज कांटेक्ट में आ जाने की वजह से पूर्व और पश्चिम के बीच में जल मार्ग और स्थल मार्ग में एक तरह का व्यापारिक मार्ग जो है वो खुल गया, ठीक है। दिस पर्टिकुलर इन्वेजन लेड टू द ओपनिंग ऑफ द ट्रेड रूट, द सी रूट एंड द लैंड रूट बोथ बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, तो जिससे ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो काफ़ी प्रमोट हुआ इंडिया का इंटरनेशनली, तो इस चीज़ को आप ज़रूर लिखें। उसके अलावा मैसेडोनियाइयों ने ही, यूनानियों ने ही पहली बार भारत में सुडोल और लेक युक्त मुद्राओं का प्रचलन किया था, तो जो कॉइनेज सिस्टम है वो काफ़ी रिफॉर्म हुआ इंडिया में आफ्टर द इन्वेजन ऑफ मैसेडोनियंस। तो इस तरह से
आर्थिक प्रभाव में आप कॉइनेज का जिक्र कर दीजिए, आप ट्रेड का जिक्र कर दीजिए, सांस्कृतिक प्रभाव में आपके हाथ खुले हैं, जितने भी प्रभाव आप उनके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ की कला संस्कृति या फिर यहाँ की आर्किटेक्चर या मूर्तिकला से संबंधित या साइंस से संबंधित जो भी आप प्रभाव पढ़ते हैं सबको आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक साहित्यिक अलग से लिख दें और सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक प्रभाव को ना भूलें। इस तरह से वॉट Ever else you know about this invasion's impact, you can add to your answers. But political impact and these three points are very important. आप चाहें तो उसमें add-ons कर सकते हैं, but आपको word limit का ध्यान रखना है। Points में लिखते हैं तो एक पूर्व भूमिका कि किस संदर्भ में ये question पूछा गया है, थोड़ा सा डालना ज़रूरी है। अगर आपको निष्कर्ष के लिए समय नहीं या लाइनें नहीं भी मिलती तो भी चल जाएगा, पर introduction इसमें important है। और सारे points के बाद अगर आपके पास लाइन बचती है तो एक आध लाइन में conclude भी कर दीजिए आप अपने आंसर को। इज दैट क्लियर? सो ये मेन आपका स्ट्रक्चर होगा इस क्वेश्चन को 100 मार्क्स में आंसर करने के लिए, ठीक है। इट इज नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, द 15 मार्कर क्वेश्चन। सो आपका 15 मार्कर क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से था और वो है मौर्य प्रशासन। देखिए, प्राचीन काल में अगर आप मौर्य वंश पढ़ रहे हैं तो आप हमेशा एक्सपेक्ट करिए कि किसी न किसी बड़े मार्कर क्वेश्चन में आपको मौर्य प्रशासन की किसी न किसी पहलू को ज़रूर पूछ सकता है। यहाँ एक होल सोल क्वेश्चन दे दिया था मैंने, उसका राजस्व प्रशासन, न्याय प्रशासन, नगरी प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन को अलग ना करके सीधा मैंने पूछ दिया मौर्य प्रशासन। तो इसके ऊपर आपको यहाँ दिक्कत ये आएगी, और देखा मैंने आपके आंसर्स में कि दिक्कत आ भी रही थी आपको, कि यू हैव लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक और उसे 175 शब्दों में समेटे कैसे। कुछ लोगों का स्ट्रक्चर अलग, कुछ लोगों का स्ट्रक्चर अलग, लेकिन इसमें ये भी याद रखिए कि कोई हार्ड एंड फास्ट एक ही स्ट्रक्चर इसमें एक्सेप्टेबल ऐसा नहीं है। ये वैल्यूएशन करने वाले की नज़रिए पे डिपेंडेंट है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, किस तरह का स्ट्रक्चर एक्सेप्ट कर रहा है। और आपने तीन चार लोगों ने अलग अलग वैरायटी ऑफ आंसर्स जो लिखे हैं वो सब एक्सेप्टेबल है, बस आपको उतने शब्दों में मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज़ों को समेटना है 175 शब्दों में। क्योंकि पूरी तरह से मौर्य प्रशासन पर रोशनी डालने की बात की गई है, कोई एनालिटिकल चीज़ नहीं है, तो ज़बरदस्ती पूर्व भूमिका और निष्कर्ष पर ध्यान ना देकर उन 175 शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन को समझाने की तरफ ही दें। समझ रही बात? मतलब आपका आर्टिस्टिक वे में आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप एक एक लाइन में भी इंट्रोड्यूस और कंक्लूड कर सकते हो। लाइनों का इस्तेमाल, स्पेस का इस्तेमाल ज़्यादा ज़्यादा प्रशासन के अलग अलग पहलुओं को समझाने में दें। एक तरह का स्ट्रक्चर मैंने सामने लिखा है, आप इसको अलग वैरायटी में भी लिख सकते हैं। कई लोगों ने बहुत अच्छा इसमें लिखा है, फ्लो चार्ट वगैरह बना करके दिया है इसमें, ठीक है। इसको बीच में कॉलम करके अलग अलग कंपैरेटिव वे में भी बताया है, ठीक है। कई लोगों की हेडिंग अलग है, एंड ऑल द आंसर्स, बिलीव मी कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमने अलग लिखा, उन्होंने अलग लिखा, बट इसमें वैरायटी ऑफ आंसर के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पार्ट है ये कि इसमें समेटा जाना जब होगा तो अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से समेटेगा आंसर को, ठीक है। बस ये है कि वो फ्रूटफुल होना चाहिए, आपने कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें रखे हैं, बस इसी पर आपके मार्क्स जितने मिलेंगे वो डिपेंड करता है। तो भाई, सभी जानते हैं कि मौर्य प्रशासन का जो विवरण है वो दो मुख्य किताबों में आपको मिलता है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगस्थनीस की इंडिका। और इन दोनों ही किताबों के विस्तृत विवरण की वजह से मौर्य प्रशासन के बारे में हमें इतना कुछ पता है, ठीक है। यू कैन राइट वॉल्यूम्स ऑफ एंटायर बुक ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें इस 15 मार्कर क्वेश्चन में डालनी थी, आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देके दो पैराग्राफ्स में, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देके पॉइंट्स में, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देके फ्लो चार्ट में, साइड चार्ट्स में, कंपैरेटिव टेबल में, कैसे भी करके अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या कवर होनी चाहिए, पहले तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स हैं उनके बारे में आप ज़रूर बताएं। कुछ लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं उन्हें डालकर साइड में उसका एक्सप्लेनेशन किया, वो भी काफ़ी सराहनीय है। कुछ लोगों ने इनको मेन हेडिंग, सब हेडिंग्स डाली और उसके बाद उनको एक्सप्लेन किया, वो भी सही है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये उल्लेख इंट्रोडक्शन में करना है कि मौर्य प्रशासन का हमें विस्तृत उल्लेख जो है अर्थशास्त्र और इंडिका जैसी दो इंडिया और ग्रीस की किताबों से मिलता है, और उसमें आपको ये बताना है कि मौर्य प्रशासन पूरी तरह से एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, एक केंद्रीकृत प्रशासन था, जिसमें राजा जो था वो प्रशासन का केंद्र बिंदु था और बाकी सारे उसके कहीं ना कहीं इर्द गिर्द एडवाइजर्स ही थे, ठीक है। उसको प्रशासन में हेल्प करने वाले नुमाइंदे थे, लेकिन सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन राजा था,
कोई आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं देखेंगी, पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। उसके बाद ये बताएंगे कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा जो आपका प्रशासनिक हिस्सा था उस एम्पायर का, मौर्य एम्पायर का, वो प्रांतों में बटा था, प्रांत को चक्र कहा जाता था। और आप इसमें बता देंगे कि उस समय उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती, प्राची और कलिंग, ये पांच प्रांत मौर्य प्रशासन के समय थे। फिर आप जितनी प्रशासनिक इकाइयों का उल्लेख आता है उनके बारे में बता देंगे कि प्रांतों से नीचे थे मंडल, मंडल बटे हुए थे विषय या जिलों में, फिर 10-10 गांव का समूह था और उसके नीचे थे गांव। और उसके बाद हर एक इकाई का जो प्रमुख हुआ करता था उसे ज़रूर मेंशन करिए, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, ना इसे ना स्किप करिए, ठीक है। कि जो प्रांत या चक्र का प्रमुख होता था उसे कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता, जो मंडल प्रमुख है उसे प्रादेशिक कहा जाता था, जो विषय या जिले का प्रमुख होता था उसे स्थानिक कहा जाता था, 10 गांवों पर एक हेड बैठाया जाता था जिसका नाम था गोप, और हर ग्राम का भी एक हेड होता था जिसका नाम था ग्रामिक। तो प्रशासनिक, जब प्रशासन आपसे किसी भी वंश का पूछ रहा है तो प्रशासनिक इकाइयों का या टाइप ऑफ पॉलिटी का जिक्र करना मस्ट हो जाता है अगर आपको उसके बारे में जानकारी है तो। तो ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे ज़रूर मेंशन करें कि कौन कौन से प्रांत थे और उसके हेड्स का क्या नाम था, ठीक है। गांव से ऊपर 10 ग्राम, फिर विषय, फिर मंडल, फिर चक्र। प्रशासनिक इकाइयाँ बता दिया आपने, राजा केंद्र बिंदु था ये बता दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप मौर्य प्रशासन के बारे में लिख रहे हैं तो अर्थशास्त्र में मेंशन साप्तांग सिद्धांत के बारे में ज़रूर लिखें, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हमें जानकारी अर्थशास्त्र से ही मिलती है और हम उसे भी बिलीव करते हैं। तो याद रखिए, कौतिल्य ने साप्तांग थ्योरी जो दी थी उसमें उन्होंने आइडियल बताया था कि किस तरह से प्रशासन के 7 अंग होने चाहिए, और कहीं ना कहीं मौर्य प्रशासन भी उसी तरह से गढ़ा गया था। तो थोड़ा बहुत साप्तांग थ्योरी के बारे में बताइए कि मौर्य प्रशासन, कौतिल्य की साप्तांग थ्योरी जिसमें उन्होंने राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोष, मित्र, इस तरह से सत्ता के 7 अंगों का जिक्र किया है, उसी पर गढ़ा गया था। ज़्यादा डिटेल नहीं जाना साप्तांग थ्योरी पे, साप्तांग थ्योरी याद रखिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अलग सेट मार्कर क्वेश्चन में भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इसके एक एक पहलुओं पर भी आपके 8 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मौर्य प्रशासन को थोड़ा सा डीपली पढ़ लेंगे, ठीक है। साप्तांग थ्योरी का जिक्र करिए, फिर अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग ही उन्होंने बताया था कि भी केंद्रीय स्तर पर कुछ जो राजा के सलाहकार होंगे वो तीर्थ नाम के सर्वोच्च अधिकारी होंगे और कुछ अध्यक्ष होंगे। आप कुछ तीर्थों का और अध्यक्षों का नाम भी लिख दीजिए, 18 तीर्थ होंगे, 26 अध्यक्ष होंगे, ये तो आपको बताना ही होगा। साथ में कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे कि तीर्थों के नाम है पुरोहित, सन्निधाता, समाहर्ता, ऐसे कुछ नाम लिख सकते हैं। पण्याध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, ऐसे कुछ अध्यक्षों के एग्जाम्पल दे दीजिए कि ये पूरे प्रशासन में हेल्प करते थे राजा को। तो देखो, प्रशासनिक इकाइयाँ हो गई, टाइप ऑफ पॉलिटी हो गई, मंत्रियों के और अध्यक्षों के और ऑफिसर्स के नाम हो गए, प्रशासन की थीम हो गई, ये पूरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कवर हो गया, ठीक है, ये सामान्य प्रशासन कवर हो गया। अब स्पेसिफिक वे में आ जाते हैं हम, नगर प्रशासन, राजस्व प्रशासन, न्याय प्रशासन। आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में नगर प्रशासन को इसके बाद लिख सकते हैं, फिर न्याय और राजस्व को लिख दें। नगर प्रशासन में इतना है कि भाई टाउन एडमिनिस्ट्रेशन या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी उस टाइम अस्तित्व में था, जिसमें जो थी 6 कमिटीज़ हुआ करती थी, एक एक कमिटी में आपके 5 मेंबर्स हुआ करते थे, और ऐसे 30 मेंबर का एक सिटी लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जाता था। तो आप नगरीय प्रशासन को इसके नीचे भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा न्याय प्रशासन में आप ये बता दीजिए कि उस वक्त जैसे फिलहाल में आपकी दीवानी और फौजदारी न्यायालय होते हैं, उस समय भी आपके सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरह के कोर्ट हुआ करते थे। सिविल कोर्ट को धर्मस्थी कहा जाता था और क्रिमिनल कोर्ट को कंटकशोधन कहा जाता था। धर्मस्थी का जो अध्यक्ष हुआ करता था, जो हेड या चीफ जस्टिस हुआ करता था, उसे धर्मस्थ कहा जाता था, और जो कंटकशोधन यानी क्रिमिनल कोर्ट यानी फौजदारी न्यायालय जो है उसके अध्यक्ष को कहा जाता था आपका प्रदेष्टा, ठीक है। तो धर्मस्थ और प्रदेष्टा के बारे में आप बताइए, न्याय प्रशासन दो हिस्सों में बटा हुआ था इसके बारे में आप बताइए। फिर आ जाता है राजस्व प्रशासन, अगर आपके पास जगह बचती है तब इसे डालें, वरना आपका केंद्रीय, प्रांतीय, नगरीय प्रशासन और न्याय प्रशासन में भी आप अपने आंसर को एंड कर दीजिए। ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप डालेंगे तो आपको वो जो बचे हुए मार्क्स अक्सर थ्योरेटिकल आंसर में नहीं मिलते हैं वो मिल जाएंगे अगर आप स्पेस बचा कर इसे डाल दें तो। तो राजस्व प्रशासन में आप पहले तो उन गाँवों का जिक्र कर दीजिए, या मैं कहूँ उन वर्गों का जिक्र कर दीजिए जो राजस्व प्रणाली के तहत बांटे गए थे उस टाइम। मतलब ऐसा था कि आयुधीप, हिरण्य, परिहारिक, कुप्य,
इस तरह का क्लासिफिकेशन किया गया था कि भी किसी गांव से पशुओं के तौर पर कर लिया जाएगा, किसी गांव कुछ गांव ऐसे रहेंगे जहां पे कर नहीं लिया जाएगा, कुछ गांव से धातु के रूप में कर लिया जाएगा, कुछ गांव से सैनिक के रूप में कर लिया जाएगा। तो इस तरह से करीब 6 कैटेगरीज बांटी गई थी कि करों का फॉर्म कैसे होगा। जैसे पारिहारिक वहाँ से कर नहीं लिया जाता था, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे कुप्पे, तो कच्चे माल के तौर पर वहाँ से कर लिया जाता था। तो राजस्व व्यवस्था में वो जो 6 कैटेगरीज आप पढ़ते हैं उसे डाल दीजिए। उसके अलावा ये बता दीजिए कि इनके भी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत भू राजस्व ही था, जो कुल उपज का 1/6 या किसी खास रीजन में 1/4 हुआ करता था। इसके अलावा 1/3 जो है सिंचाई कर अलग से वसूला जाता था। अन्य करों का भी आप जिक्र कर सकते हैं कि सेतु, वर्तनी, सीता, हिरण्य, ब्रज, इस तरह के अन्य कर अलग अलग चीज़ों पर भी लगाए जाते थे। इन सभी चीज़ों का आप इंक्लूड करके एक राजस्व प्रशासन वाला पार्ट भी डाल दीजिए। इट विल एड वेटेज टू योर आंसर। बट इसे डालने के चक्कर में इनसे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। ये मेन पार्ट है आपका, ये सब चीज़ें आनी ही चाहिए। नगर प्रशासन भी आना चाहिए, न्याय प्रशासन आना चाहिए। ये वाले पार्ट को आप बाद में डाल दीजिए। अगर स्पेस बजाकर डाल देंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स में मिल सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि पूरे 15 में 15 मार्क्स मिल जाएं। बहुत ही अच्छा लिखा हो उसके बाद भी 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स आपके कटते हैं, लेकिन ऐसा है कि 15 में 12 मार्क्स बेस्ट होता है। अगर 12 मार्क्स भी आपको मिल जा रहे हैं 15 में, तो वो बेहतर, सबसे अच्छा है। देखो, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, वो हो सकता है खुश होकर आपको 13, 14 या 14.5 भी दे दे। बट इतना है कि अगर आप अपने आंसर से 12 मार्क्स फेच कर पा रहे हैं, मतलब यू हैव रिटन बेस्ट आंसर, ठीक है। वरना नॉर्मल अगर एवरेज आपने ये चीज़ें लिखी हैं तो 15 मार्क्स में नॉर्मली आपके 60% के अराउंड मिलते हैं मार्क्स। जैसे कि आप कह सकते हैं कि 9 मार्क्स या 10 मार्क्स मिलेंगे, 8 मार्क्स मिलेंगे, तो वो भी अच्छा है। बट एटलीस्ट 50% जो है वो लाने की आप इसमें ज़रूर कोशिश करिए। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था पूरा। आप प्रेजेंटेशन में नई नई क्रिएटिविटी इसमें डाल सकते हो, और डाली भी है। आप जो लोग ने भी अभी तक डिस्कशन कम्युनिटी में इन आंसर्स को नहीं देखा या नहीं लिखा, कम से कम जाकर इन आंसर्स को पढ़िए जो लोगों ने लिखे हैं। आई रियली अप्रिशिएट कि इस टाइम जो आपने आंसर्स लिखे हैं वो बहुत अच्छे से लिखे हैं, वैरायटी भी बहुत है, और सारे आंसर्स सही हैं। मतलब जो भी वैरायटीज़ हैं वो सही हैं। मैं रिस्पेक्टिव जो भी आपके आंसर से, मैंने पहले भी कहा, मैं निरंतर थोड़ा थोड़ा, मतलब कह सकते हैं कि ब्रेक लेकर मैं उसमें रिप्लाई करते रहूँगी, ठीक है, जैसे ही टाइम मिलेगा। अभी आप ये मान के चलिए कि आने वाले 1 महीने तक के आपके जो भी अपलोडेड आंसर, उसमें धीरे 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 रिप्लाई होता जाएगा, ठीक है। बाकी जो दूसरों के में रिप्लाई किए गए आप उनको भी पढ़िए, जो सो दैट आप खुद के आंसर्स में इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक। सो दैट इज़ इट। आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए, इनमें से मैक्सिमम चीज़ें डालिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन, और आपका जो आपका नगर प्रशासन है इसको साथ साथ राजस्व प्रशासन को डाल देंगे तो आपका आंसर बेहतरीन बन जाएगा। सो वो 15 मार्क्स, ये 15 मार्क्स की जो है ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ इट विद द एनालिसिस वीडियो ऑफ टुडे, टॉपिक 2 ऑफ हिस्ट्री। लेट अस मीट टुमारो एट सेम टाइम for the topic 3 analysis video on history. Thank you so much. CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए competition community के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और daily updates के लिए bell icon को प्रेस करना ना भूलें।